प्यार आ रहा है अपने हाथ से पिला रही है उसे। नींद पूरी हो गई? कैसे खेल रहा है? आओ। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। आई होप आप सभी लोग सही होंगे। और आज के इस ब्लॉग में हम बड्डी को लेके जाने वाले हॉस्पिटल, क्योंकि उसको इंजेक्शन वगैरह लगाना है। और अभी तो 9:15 हो रहा है, 9:22 हो गया है। और अभी मैं नाश्ता कर रहा हूँ, पहले नाश्ता करते हैं, देन उसके बाद हॉस्पिटल दुकान जाऊँगा, फिर देन हॉस्पिटल जाएंगे। मैं जी लेके आ चुकी है हमारे बड्डी को। नहीं देखो ऐसे नहीं ला के लाइए बड्डी। ठंडा लग रहा है बच्चे को? ठंडा लग रहा है, कैसे कांप रहा है यार ये। दूध पिलाया? दूध लेके आ रही हूँ। हाँ वो ले आना, बोतल। बोतल से नहीं पीता वो। अरे वैसे ही पी लेगा ना। इसके लिए बता वाली हड्डी लाएंगे, कैल्शियम वाली। कैल्शियम वाली हड्डी चबाएगा ना, सही जाएंगे इसके दांत भी, सही जाएंगे। आओ अरे बच्चा। हाँ देखो कैसे दूध पी रहा है। पता है सब सुबह से भूख लग रही थी, और ये अब लेके आई है मैडम। पहले कर ले तभी तो अब अभी उठा। हाँ अभी उठा, उठते ही पहले तो थोड़ी देर बॉल से खेला इसने, उसके बाद फिर बह गए इधर उधर भागने लग गया। मैंने कहा इसका जा रहे हैं इसको हॉस्पिटल लेके। और ये देखो यहाँ पर सोई है। सोई नहीं, सोया है। हाँ सोया है बड़ी। हाँ ये तो कैसे बन के आई है। हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल, इसको देखते हैं इंजेक्शन लगता है नहीं लगता, क्योंकि इंजेक्शन के लिए हम लोग सोचेंगे अभी लग जाए, बट अभी लगाते हैं लगाते हैं। डॉक्टर भी बताएंगे इसके बारे में कि लगाना लगाना, और बाकी शैम्पू वगैरह लेके आना इसका। नींद पूरी हो गई? सो रहा था अभी तक तो ये, अब उठ गया ना। और हम लोग इसको लेके जा रहे हैं तो उठ गया। देखो कैसे आ गए हम लोग हॉस्पिटल। और ये देख सकते हैं पशु चिकित्सालय। और इसको देखो कैसे, हेलो बड़ी बड़ी बड़ी। हम लोग अंदर जा रहे हैं, देखते हैं इंजेक्शन इंजेक्शन वगैरह लगता है लगता। भैया ने मना कर दिया है कि अभी इसको इंजेक्शन लगेगा, क्योंकि 45 दिन के बाद जो है इसको बीमारी का इंजेक्शन लगता है, और कम से कम 3 महीने के बाद लगता है रेबीज का इंजेक्शन, जिससे जो काटे तो कोई दिक्कत ना हो। वैसे काटने वाला है तो है नहीं, है बहुत ही प्यारा है, बट फिर भी हमें 3 महीने तक वेट करना होगा। बाकी अभी जिससे लिया है मैंने उससे पूछूंगा कि कितने दिन का है पपी, उसके बाद ही हम कल इंजेक्शन लगवाने आएंगे, अगर हो गया होगा 45 दिन का तब। और इसको जो है ना थोड़ा बहुत यहाँ पर कीड़े वगैरह भी हो रहे हैं, तो उसके लिए भी हम लोग शैम्पू लेने जा रहे हैं। भैया पाउडर बता रहे हैं, पाउडर भी लेते हैं, फिर मेडिकल पर जाके देखते हैं। मैंने रोहित भाई से पूछा कि क्या बोलते हैं क्या क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कुछ सजेशन दिए हैं, जैसे इसके लिए पेडिग्री वगैरह ले लेंगे, और क्या बोलते हैं इसके जो पेट में कीड़े हो सकते हैं उसकी दवाई लेंगे, और जो इसको पिस्सू वगैरह भी हो रहे हैं थोड़े बहुत ना, तो उसके लिए भी हम लोग अभी देखते हैं पाउडर लेते हैं या क्रीम लेते हैं। मैम से विनायक मेडिकल स्टोर से। और देखो इसका एक तो पट्टा लिया है हम लोगों ने, कैसे लग रहा है बड़ी। और इसके लिए थोड़ी दवाई ली है, बाकी इसके खाने के लिए कैल्शियम वाली जो हड्डियाँ थी वो ले रखी है। और हम लोग घर जा रहे हैं, घर जाके इसको थोड़ा निथाएंगे पाउडर डाल के, फिर देखते हैं इसके जो कीड़े हैं वो थोड़ा सही होते नहीं होते। वो कैसे पाउडर डाल रहे हैं इसके, मजा आ रहे हैं पाउडर डलवाने में। कितना प्यार से डलवा रहे हैं, लेट गया है बेटा। बड़ी मजा आ रहा है बड़ी 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 खा रहा है कैल्शियम हड्डी अपनी। इसके लिए हम लेके आए हैं, हम लोग इसके लिए लेके आए थे, और देखो कैसे खा रहा है ये अभी सही से नहीं खा पा रहा है। हाँ ले लो, लोग लेके आ गए हैं बड्डी को अपने साथ। अभी देख सकते हैं बड्डी कैसे दूध पी रहा है। और इसको ना जो पिस्सू वगैरह और थे ना बहुत ही परेशान कर रहे थे, इसीलिए हम लोगों ने इसके लिए पाउडर लगा दिया है, और उन्होंने बताया कि 3 बार लगाना है, तो 1 बार अभी लगा दिया, 1 बार हम शाम को लगाएंगे और फिर 1 बार रात को लगाएंगे, जिससे जल्दी से जल्दी सही हो जाए, और जो ये कमज़ोर हो रहा है ना ये कमज़ोर ना रहे, इसीलिए खेल रहा है। इधर अबे रहा है, यानी मैं चप्पलों के पीछे पड़ जाता है कंजर जैसा। बेटा चप्पल नहीं खानी है,
ये इसको पैर चुमा बड़ी नींद आ रही है बड़ी नींद आ रही है हाँ देखो देखो ये भी सोने ही सोच रहा है ये इनके देखो छोटा छोटा बाल ये लेके जाने वाली है अब घर इसको ये आप तो लेके नहीं जाओगे मैं क्यों लेके जाऊंगा किसने कहा था पालने के लिए हम दोनों ने कहा था तो तुम पालो ना इसे दिन में मेरे पास रहेगा रात को तुम्हारे पास तो दिन में मेरे पास था ये रात में तुम्हारी ड्यूटी आपके पास है और क्या देखो कैसे सो रहा है यार सोना देखो कच्चे सो रहा है बड़ी प्रेम से ये कैसे उंगली चबा रहा है भूख लग रही है हाँ भूख लग रही है छाछ दे दो थोड़ा सा पहले छाछ लाए तो इसके लिए छाछ दे दो पे देखो पी के पीता नहीं तो गाइस मैं इसके लिए छाछ लेके आया था देखो छाछ कैसे पी रहा है पी लो ये बड़ी छाछ पी रहा है तुम्हें पीना है प्यारा ना अपने हाथ से पिला रही है उसे और क्या पिलाऊंगी अपने हाथ से वो भी अब उसको मैं तो दिन में इसको अपने हाथ से पानी पिलाने वाली हूँ मम्मी ने सुनी पी लो बड़ी यहाँ बड़ी भूख लग रही है तो बड़ी जा रहा है अपने घर बाय बड़ी बाय बाय देखो बोल भी रहा है वो कुछ कुछ बाय देखो मन नहीं कर रहा उसका भी जाने का चलो बाय बाय दोस्तों मैं आ गया हूँ घर पे और देखो यहाँ पर आरुष भी है आरुष पता नहीं कर रहा है क्या कर रहे हो आरुष मैं खेल रहा हूँ किसके साथ मैं अकेले खेल रहा हूँ अकेले खेल रहे हो और कब आए आप अभी आए हूँ मैं बस से बस से आए कार से हाँ किससे आए मैं हाँ टुक टुक से आया टुक टुक से आया या कार से आए बस से अबे एक चीज बताओ ना बस से आए कि कार से आए कार से टुक टुक से आए अरे पता नहीं है मंदिर भी करे मैंने केला ले लिया केला ले लिया मंदिर से हाँ। अच्छा खाया नहीं खाया खा लिया मैंने तो खा लिया आपने हाँ। अरे वाह ये क्या कर रहे हो मैं झूल रही हूँ मैं झूल रहे हो हाँ। सही खेल रहा है ये देखो मेरा फेवरेट गेम आरुष आ रहा है खेलना आपको ये तो कहते मामा से लड़ रहा है आरुष कैसे लड़ रहा है देखो बता ना बता ना क्या हो रहा है बता क्या हो रहा है बता ये देखो देखो बराबर का लड़ रहा है बता आज आरुष आएगा घर पे तो सभी लोग मस्ती कर रहे हैं उसके साथ और बहुत ही ज्यादा अभी रात में भी वो ऐसी मस्ती करने वाला सोएगा नहीं 2-3 बजे तक सबको परेशान करके रखता है और अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बाय